आप सभी का हमारे चैनल पर वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज की प्रॉब्लम। हम आपको इजी से इजी तरीका आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ये आपका दिया है क्वेश्चन, यूपी पीजीटी 2011 का है। लिखा है आपका है एक्स सी पावर 1/2। ये आपका डॉट प्रोडक्ट लिखा है आपका है, यानी गुणा आपका है मल्टीप्लाई एक्स सी पावर 1/4 और एक्स सी पावर 1/8 और एक्स की पावर 1/16। ये आपका डॉट डॉट है, इनफिनाइट दिया आपका है। तो देखिए क्या है, ये जो आपका मल्टीप्लाई में होता है पावर क्या होती है आपकी, ऐड होती है। क्या होती है? ऐड होती है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये आपका है इनफिनाइट। देखिए आपका जो है जेपी में एक होता है इनफिनाइट सब सीरीज का, ये होता है आपका है, यहाँ पर लिखिए जेपी, ये होता है इनफिनाइट का सूत्र होता है आपका है a/(1)-r होता है। ये आपका होता है, इसी फार्मूले पर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x करिए, यहाँ देखिए आपका है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इससे डिवाइड आप करेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये होता है आपका है 1/4, इसके अपान क्या करिए 1/2 कर दीजिए, ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगी, आएगी ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू कितनी है इसकी है, यहाँ पर 1/2 कर दीजिए। यहाँ देखिए आपका r की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसकी पावर देखिए कितनी हो जाएगी, ऊपर भी आपका 1/2 आ जाएगा, नीचे भी आपका 1/2 है, ये हो जाएगा क्या x आ जाएगा आपका x, यानी आपका क्या आ गया आपका x आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका ये थर्ड वाला आपका सही है। ओके, वीडियो अच्छे लगे तो भाई लाइक करिए। चल ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा कि सम ऑफ टू इनफिनाइट ऑफ सीरीज, ये 1/7 प्लस 2/7 की पावर 2 प्लस 1/7 की पावर 3 प्लस 2/7 की पावर 4। ये आपका डॉट डॉट इनफिनाइट दिया है। तो देखिए जो आपका 7 जिसमें है, तो हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर 1/7 कर दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया, ये आपका 3 है, 3 कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे एक और जोड़ दीजिए आप अपने से, ये आपका 5 हो जाएगा। डॉट डॉट आपका क्या है, इनफिनाइट है आपका है। यहाँ प्लस लिखिए, अब ये आपका जिसमें 2 है उसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 इसमें कॉमन इसमें कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 की 1/2, देखिए 2 हो गया आपका कॉमन, तो 1/7 की पावर 2 हो जाएगी प्लस 1/7 की पावर 4 हो जाएगी। अब इसके आगे क्या हो जाएगी, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपकी 6 हो जाएगी, ये हो जाएगा डॉट डॉट इनफिनाइट, ये आपका होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सम वाली सीरीज होती है जीपी वाली, ये यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये देखिए इसमें देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आप लिख दीजिए यस इनफिनाइट। यहाँ देखिए जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ जब रखें तो 1/7 हो जाएगी, और इससे आप डिवाइड करेंगे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये 7 हो जाएगी, इससे डिवाइड आप करेंगे तो इस तरह क्या हो जाएगी 1/7 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये आपका 1-7 की पावर 2 हो गई। तो सेम इसी तरह इसमें देखिए 2 कॉमन आपका है, उसी तरह देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे, यहाँ पर इसकी पावर का ए के बराबर कितना आ जाएगा आपका ए हो गया, इसमें r बराबर जब आप निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी इसकी पावर 1/7 या आपकी 4 हो जाएगी, यहाँ पर आपका 2 है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जब इससे करेंगे डिवाइड तो हो जाएगी आपकी इसकी पावर जो आपकी दी गई है, तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगी आपकी, ये देखिए जो आपका ये दिया है कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ रखिए
ये हो जाएगा आपका वन अपान, यहाँ देखिए दोनों आपकी इसकी क्या है, इसकी वैल्यू ये आपकी है, ए की वैल्यू क्या है सेवन, वन अपान सेवन की स्क्वायर हो जाएगा आपका, सेवन का स्क्वायर ये हो जाएगा वन अपान वन माइनस सेवन का ये हो जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर है, दोनों आपका सेम सेम आया था। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका इनफिनाइट रहेगा, यस इसे जब सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका देखिए वन अपान सेवन आप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए इसका करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा आपका, ये आपका 48 आ जाएगा, 48 में आपको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये तो ऊपर जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49, नीचे आपका 48 हो जाएगा, यहाँ प्लस करिए ये आपका 2 है, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये आपका इसका करेंगे फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई देखिए ये ऊपर जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 49, और नीचे आपका इसमें देखिए 40 देखिए ये आपका 49 में से 1 माइनस हमने यहाँ कर दिया तो आपका आ जाएगा कितना आ गया 48 आ गया, इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा 48, तो देखिए इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और इससे काटेंगे आपका 7 आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, यस इनफिनाइट क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 अपॉन 48 और प्लस यहाँ 2 अपॉन 48, इसे जब ऐड करें कितना आ जाएगा आपका 9 अपॉन 48 आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करें तो आ जाएगा आपका देखिए ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन 16 आ जाएगा, इसमें जो ऑप्शन आपका है ये सही है 13/16। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट वाला, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये आया था इससे पहले जो एक क्वेश्चन था, ये आपका देखिए यूपी पीजीटी 2005 का था, ये आपका दिया है यूपी टीजीटी 2010 का है, लिखा कि इफ वाई इक्वल टू आपका लिखा है यक्स, यक्स प्लस आपका यक्स स्क्वायर प्लस आपका यक्स क्यूब, ये आपका इनफिनाइट दिया पॉजिटिव एंड लेस देन वन इन दिया है, तो यहाँ दिया ये आपका दिया है, तो यहाँ जो आपका ये फार्मूला होता है सम ऑफ सीरीज का, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज का, तो ये आपका जीपी वाला क्या होता है आपका, जीपी वाला होता है आपका, तो यहाँ पे यूज करिए, यहाँ देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए एक्स आ जाएगा, ए बराबर एक्स बराबर हमने यहाँ ए लिख दिया, इसको इस तरह लिखना चाहिए, ये आपका हो गया, और आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर यूज करिए आपको हो जाएगा, यहाँ देखिए इसके इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाई यहाँ पर लिखिएगा आपका, वाई है आपका, यहाँ देखिए जो आपका ये है ये वाई है, और ये हो जाएगा आपका जब करेंगे तो यहाँ देखिए ये ए की वैल्यू कितनी आपकी एक्स है, और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स हो जाएगा, अब इसे हमें एक्स के फॉर्म में निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, इसे डिवाइड करिए आपका हो जाएगा ये, यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये आपका एक्स, इसे ओपन कर दीजिए आपका ये हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो वाई बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका देखिए ये आपका हो गया, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका वाई अपान वाई प्लस वन, यक्स बराबर वाई अपान यक्स बराबर आपका जो यक्स इक्वल टू क्या आ जाए आपका वाई अपान वाई प्लस वन, ये आपका इसमें ऑप्शन देखिए फर्स्ट वाला सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है जो आपका है काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी है, ये भी आपका टीजीटी में आ चुका है, किसी ईयर में आया आपका है, लिखा कि द फर्स्ट टर्म जेपी का दिया आपका है, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, हुज सेकेंड टर्म इज टू एंड सम टू इनफिनाइट एड दी गई है, हमें बतानी है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये आता है जीपी वाला जो आपका फार्मूला होता है नॉर्मल वाला, ये होता है आपका है यहाँ पर आपका टी एन इक्वल टू होता है ए आर माइनस, देखिए आर देखिए ए लिखा आपका है आर की पावर एन माइनस वन दी गई है, और ये आपका है और ये आपका दे दिया है यहाँ पर, देखिए इनफिनाइट आपका लिया है, ये आपका एड दिया है, और यहाँ इसकी वैल्यू की आपकी 2 दी गई है टी एन की, और यहाँ पर आपका एन बराबर यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म है, इसमें हम निकालेंगे, तो देखिए ये आपका इजी तरीका हम बताएंगे, इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है,
ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ रख दीजिए आपका टू, और ये आपका टू इक्वल दिया है आपका, ये हो जाएगा आपका, इसमें से टू माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए टू, और ये हो जाएगा आपका ए आर। तो यहाँ देखिए आर निकालिए, क्योंकि यहाँ पर हम आर रखें तभी आपका निकलेगा, ये हो जाएगा आपका टू अपान ए हो जाएगा आर की वैल्यू, ये आपकी हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर जो आपका है इन्फिनाइट वाला, ये यहाँ पर यूज करिए, जीपी का है। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपकी है, ये आपकी एट दी गई है, तो एट लिखिए यहाँ पर, और ये आपका ई हो गया। यहाँ आर की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आर की वैल्यू देखिए आपका यह है, ये हमने कर दिया। अब इसको देखिए क्या करते हैं, ये आपका है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप करेंगे इससे ऊपर करें तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए माइनस टू हो जाएगा, ये हो गया आपका रिजल्ट। इसे सॉल्व करेंगे तभी आपका आ जाए, लेकिन यहाँ ऑप्शंस लिखे, ऑप्शन सब मत रखे, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा वही रखे, ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सिर्फ आपका ए होगा, और इसको भी रख दीजिए आपका ये भी होगा, लेकिन आप पहले इसको फोर कर रखिए, तो हो जाएगा आपका एट। और यहाँ पर देखिए इसके इक्वल टू हमें एट ले आना है, यहाँ देखिए आपका करिए, यहाँ हो जाएगा आपका फोर का स्क्वायर, ये बराबर हमने क्या रख दिया, फोर रख रहे हैं आपका, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर रखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बराबर ए माइनस टू है, तो आपका फोर माइनस टू हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर एट आना चाहिए इधर साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन, नीचे आपका टू आ जाएगा, इससे काटेंगे तो आपका एट, यानी यहाँ देखिए आपका वेरीफाई हो जाएगा एट इक्वल टू एट, इसमें जो ऑप्शन जो आपका है यही सही है, इसको रखेंगे तो आपको देखिए कोई नहीं आएगा, सिर्फ आपका यही सही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये देखिए आपका नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एलटी में आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। यहां देखिए आपका लिखा है कि इफ यक्स इज फर्स्ट टर्म आपका दिया है, यहां आपका है जेपी लिखा आपका है, जेपी आप लिखा, एंड यहां पर लिखा है सम ऑफ इट इज इनफिनाइट टर्म, ये क्या वन अपान थ्री दिया, ये आपका दिया है, कितना दिया आपका है देखिए, यस इनफिनाइट, ये आपका वन अपान थ्री दिया, ये बराबर कितना दिया आपका, यक्स दिया है, और ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका जो दिया है जीपी वाला आपका दिया है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर आप रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, वन अपान थ्री दी गई है, और यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना दिया आपका है, ए बराबर आपका यक्स दिया है, ये आपका हो गया। अब इसे हमें आर टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका थ्री यक्स या क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये आपका ये आ गया। अब देखिए आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, वन माइनस थ्री यक्स आ जाएगा। अब जो देखिए आपका जो यहाँ पर ये होता है आर मॉड में दिया है आपका ग्रेटर देन लेस देन वन दिया है, इसे आप गैप जब करेंगे यहाँ पर मॉड, तो हो जाएगा आपका वन माइनस लेस देन आर लेस देन आपका वन। अब यहाँ पर आर जो बराबर आपका रखे हैं यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये रखें तो क्या हो जाएगा आपका देखिए माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका वन माइनस थ्री एक्स, ये आपका लेस देन वन। अब देखिए जो वन है इधर करें तो आपका जीरो हो जाएगा, इधर आपका माइनस टू आ जाएगा, और ये आपका ये आ गया, और ये आपका माइनस थ्री एक्स बचा, इधर आपका जीरो हो गया, जीरो हो गया आपका है। अब देखिए यहाँ पर है ये साइन को चेंज कर दीजिए आप, माइनस इसमें माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन जब चेंज हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ हम गायब करते हैं, क्या करते हैं आप माइनस यहाँ से हम गायब करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर माइनस आपका, यहाँ भी माइनस यहाँ पर है, इसे चेंज आप करेंगे क्या हो जाएगा आपका देखिए, तो हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर जब करेंगे आप पहले क्या है दो से आप डिवाइड करिए, जो आपका थ्री है इससे करिए, ये हो जाएगा माइनस इतना में आ गया आपका, ये प्लस में हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो आपका यहाँ माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ सिर्फ आपका एक्स बचेगा, ये आपका बचा, और इधर तो आपका क्या है जीरो हो गया, यहाँ देखिए आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका जीरो हो गया। अब इसे आप चेंज करिए, इसे देखिए चेंज करते हैं हम क्या है,
ये जो आपका जीरो स्टाइल ले आते हैं, साइन चेंज कर दीजिए आपका, यहाँ पर इस तरह कर दीजिए आप, यहाँ यह जीरो लेस एक्स लेस ये आपका 2/3। बस यही आपका आंसर है, इजी तरीका है। इसमें देखिए ऑप्शन आपका 4 वाला सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका ये वाला, ये देखिए अक्सर ये किताबों में नहीं मिलेगा, इसे आपको बनाना पड़ेगा तब आपका ये बना। ये LT में 2018 में आया था, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन एक फार्मूला अगर आपको आता रहेगा तो ये इजी हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा, वेरी हार्ड नहीं होगा, वेरी इजी हो जाएगा। ये लिखा है कि द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, ये आपका दे दिया है, इतना दिया है, हम इसको ले आएंगे इसी इक्वेशन द्वारा। एक आप लोगों को पता होगा बायनोमियल थ्योरम का एक आपका इक्वेशन होता है, बायनोमियल थ्योरम का ये देखिए क्या होता है आपका है, ये आपका जो फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए 1 प्लस होता है आपका ये, और इसकी पावर माइनस से 1 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए। अब ये वाला जो आपका ये फार्मूला यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जब हम इसका यूज करें तो आपका 1 - x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ प्लस कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर आएगा, ये आपका n-1 हो जाएगा, और अपान में देखिए आपका फैक्टोरियल 2 होता है, लेकिन यहाँ पर हम फैक्टोरियल 2 नहीं, यहाँ पर कहीं लिखा है तो आपका फैक्टोरियल 2 का जो होता है फैक्टर कितना है, 2 होता है, तो करिए 2। और यहाँ पर जो आपका है x² होता है आपका है, यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब आएगा, n - 1 और n - 2, अपान में देखिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 आएगा तो इसका हो जाएगा 6, जब ब्रेक करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, ये आपका x³ आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये बायनोमियल थ्योरम का है इक्वेशन, इसे आप अगर याद हो तो ये क्वेश्चन वेरी इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा क्या पुट करेंगे तो आपका ये सेम आ जाए, क्या आ जाएगा अब सेम आ जाए। अगर देखिए अगर यहाँ पर जो x है, x बराबर देखिए यहाँ पुट कर दीजिए, x बराबर 1/2 कर दीजिए और n = 1/2 कर दीजिए, दोनों आपका सेम रहेगा। जब देखिए आप इसमें रखेंगे तो ये जो आपका है ये चीज़ आपकी सेम मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, सेम आपकी मिलेगी। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसकी पावर क्या है 1/-2, यहाँ पर n बराबर देखिए हमने -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपका देखिए आपका माइनस यहाँ पर है 1/2 हो जाएगा, और देखिए ये भी आपका सेम है, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, सेम प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव रखा गया है, सिर्फ हम खाली n बराबर रख रहे हैं। अब ये देखिए आपका एक तो आपका सेम मिल गया, इसी तरह देखिए आपका इसमें करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, n की जगह रखेंगे तो आपका। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये आपका ये है, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका ये सब प्लस में होता है, सॉरी ये आपका ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका है तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो x है यहाँ पर आपका स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका माइनस है, देखिए माइनस है, तो देखिए 1/2 आपका हो गया। अब n की जगह रखें तो इसको रखें तो अभी ये आपका आया था 3, इसी तरह इसको अब इसमें रखेंगे तो वो नहीं है, यहाँ पर रखेंगे आप n+2 है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 है, यहाँ पर लिखिए ये देखिए क्या हो जाएगा आपका n+2 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये आपका 2 है, तो हो जाएगा आपका देखिए 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका देखिए कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा, ये आपका 5/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर
फाइव अपॉन टू है, तो यहाँ आप देखिए आपका क्यूब है, तो ये आपका यक्स की पावर कितनी हो जाएगी, वन अपॉन टू की पावर कितना हो जाएगी आपकी, थ्री हो जाएगी। तो देखिए ये जो आपका जो मिल रहा है ये आपका सेम सेम ये आपका मिल रहा है, सेम सेम आपका ये मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपका हमें इसकी वैल्यू, ये तो आपका सेम मिल गया, इसी को हमको निकालना है, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखिए इसको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका थ्री अपॉन टू हो जाएगा, इसकी पावर क्या है, वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू है। अब इसे जब माइनस ख़त्म करेंगे तो ये आपको ऊपर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब माइनस ख़त्म करेंगे ये हो जाएगा आपका टू अपॉन थ्री हो जाएगा, और इसकी पावर जो ये आपकी है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके रूट के अंदर क्या हो जाएगा, टू अपॉन थ्री आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, इसमें जो ऑप्शन जो आपका दिया है फर्स्ट वाला आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर दिमाग आप लोग यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी वीडियो थी आज की, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिए। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम हर चैप्टर की लगभग अपलोड हो चुकी है, जाके आप लोग देखिए और बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी, और अच्छे जो क्वेश्चन हैं उसको भी हमने बेहतरीन क्वेश्चन अच्छे अच्छे अपलोड कर दिए हैं, जो आ चुके हैं, जो आने वाले चांस हैं उसको भी अपलोड कर दिया है। तो इसलिए वीडियो पर हमको लाइक ज़रूर करिए, ताकि हम मेहनत से वीडियो बहुत बनाते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं मेरे चैनल से जुड़िए और बेहतरीन टिक लीजिए और सफल होइए। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।